आज हमारा टॉपिक है नंबर सिस्टम्स। नंबर सिस्टम, ये नंबर सिस्टम की डेफिनेशन मौजूद है। अ सिस्टम विच इज़ यूज टू कन्वर्ट इंफॉर्मेशन इनटू नंबर्स इज कॉल्ड नंबर सिस्टम। इट इज़ बेस्ड ऑन सम कैरेक्टर्स कॉल्ड डिजिट्स। द नंबर ऑफ डिजिट्स अ सिस्टम यूजेस इज कॉल्ड इट्स बेस और रेडिक्स। टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम, देयर आर फोर टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम्स used in computer operations. Number 1, decimal number system. 2, binary number system. 3, octal number system. 4, hexadecimal number system. Decimal number system, इसमें क्या है? सबसे पहले आपको position दी हुई है। अगर आपके पास position और weight दोनों चीज़ मौजूद है, first position में हम क्या कहेंगे? 10^0, जो कि बराबर होगा 1, जबकि यहाँ पे अच्छा है। दूसरी चीज़ ये कि इसको राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करते हैं, वो भी आपको समझ आ जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके 1, यानी 10^1 का मतलब है 10। इसी तरह थर्ड स्टेप पे हम क्या करेंगे, 10^2, यानी 10 अपने टेबल से 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 10 times 100। इसी तरह यहाँ पे 10^3 में 10 अपने टेबल से 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, 10 times 100 और 100 times 1000। ये डेसिमल नंबर सिस्टम की एग्जांपल मौजूद है। अगर हमारे पास एक नंबर मौजूद है 8236, यहाँ सबसे पहले हमने लिखा 8236, ये लिखने के बाद मल्टीप्लाई बाय 10। 10 क्यों है? क्योंकि डेसिमल नंबर है, डेसिमीन 10 होता है। 10 लिख दिया हमने हर जगह, और ये जो अभी पावर्स वाली बात बताई थी वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यानी पहले नंबर पे 10 के ऊपर क्या आ जाएगा, 0, यहाँ 1, ये 2 और ये 3। अब इसी तरह से अब अगर 10^0 है मतलब 1, 10^1 जो कि अभी बताया 10, इसी तरह 2 मीन 100 और 10^3 मीन 1000। सबसे पहले हमारे पास ये डेसिमल सिस्टम, जिस तरह हमने यहाँ पे 8236 प्लेस किया और 8236, ये सब नंबर ऐसे ही लिखे डेसिमल की वजह से, 10 हर एक के साथ मल्टीपल कर दिया, 10 मल्टीपल हो गया। ये रही 10^0 किसके बराबर है, ये सब लिखने के बाद यहाँ 10^0 का मतलब है 1, 10^1 का मतलब 10, 2 mean 100, 3 mean 1000। अब ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 8000 हो गया, 2 8s are 200, 3 10s are 30 एंड 6 1s are 6। इन सब को ऐड करेंगे, ये हमारे पास जो आंसर आए ये क्या कहलाएगा, डेसिमल सिस्टम। यानी इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम भी कह सकते हैं।